नमस्कार एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कलई किचन सीरीज एपिसोड फोर कलई से कल्याण तक आज हमारे साथ है फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर प्रीति सिंगानिया जी प्रीति जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में कलई किचन सीरीज में जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है वो है कोर वैल्यू फॉर फर्नीचर एंड हमारी जो वेन्यू पार्टनर रहे कासा किचन इन सभी की मैं आभारी हूँ हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और प्रीति जी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ प्रीति जी कल किचन सीरीज़ के अभी तक के हमारे तीन एपिसोड हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों के हमें फीडबैक भी मिले हैं आज भी फीडबैक हम दिखाने वाले हैं जो जिसने भी हमें दिए हैं पर उससे पहले हमारी सीरीज जहाँ थी वहीं से हम थोड़ा आगे जाते हैं तो क्योंकि जो लोग हमारा एपिसोड देख रहे हैं उनको ऐसी उत्सुकता हो रही है कि अब ये कलर किचन सीरीज में क्या आएगा क्या है लोग फ़ोन करके भी हमें पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है कि हमें यहाँ से अच्छे से अच्छी ऐसी जानकारी मिले हमारे किचन के लिए और हमारे लिए ताकि हम हेल्दी रहे और हमारा किचन भी हेल्दी रहे तो प्रीति जी सबसे पहले तो मैं ही आपकी आभारी हूँ क्योंकि आपने जो कंसेप्ट लिए दिया और इत इतने अच्छे से हमने इसको सजाया है आपने काफ़ी सारी इसके पीछे मेहनत की हुई है तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कलई किचन सीरीज जो कंसेप्ट है उसमें आज का हमारा जो क्वेश्चंस है वो है क्या आपको लगता है कि स्टोर रूम जरूरी है जी अब बताइए स्टोर रूम जरूरी है ये बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा यामिनी जी ने जी, कि मैं भी है ना अपने आप को एक बार ये सोचती हूँ कि स्टोर रूम जरूरी है कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा मालिये बनते थे स्टोर रूम बोल के कुछ नहीं होता था डेड स्पेस यूज की जाती थी स्टोर रूम बोल के और आज अपन स्पेस यूज कर रहे हैं एक कमरा बना रहे हैं आपने देखा होगा सबके स्टोर रूम होते हैं तो आप सर्कुलेशन स्पेस भी आप वेस्ट करते हो उसके अंदर प्लस आप दीवारों से ढक देते हैं कभी कबार आपकी दीवारें खराब होती है डैम्पनेस आती है उसके हिसाब से आपका है ना वो सामान भी खराब होता है भेज भी आती है तो मेरे हिसाब से मैं चाहूंगी कि स्टोर रूम नहीं होना चाहिए किचन के अपने को स्टोर जैसे एज अ वॉर है अपने जैसे छोटी छोटी ट्रॉलीज है जो अपन मेंटेन कर सकते हैं अपने को इजी लगे अब अब मैं मुझे बोलूंगा कबाड़ मुझे साफ करना है एक कबॉर्ड साफ करना है तो उसके अंदर आपको बहुत ईजी लगेगा की हाँ कबर्ड साफ करना है और एक मैं बोलूंगी मेरे को स्टोर रूम साफ करना है हाभी एक बार आवाज आएगी भाभी बिकॉज के स्टोर रूम में आपको लगने लगता है एक कमरा मुझे साफ करना है आपको है ना में सारे रब्बे दिखने लगते हैं और ये अगर मैंने एक पेंट्री जैसा या समथिंग एक लाइन में वॉल्ट स्टाइल में या फिर एकदम सॉफ्ट स्टाइल में हाफ किचन में मैंने कर रखा हो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो अपना वे ऑफ स्टाइल अपना जो है अपना आजकल आज पहले की बड़ी फैमिलीज होती थी तब भी अपन को ऐसे नहीं बोलते थे कि अपने बहुत सारे मालिय हो जाते थे उनको उस हिसाब से जाना पड़ता था और आज अपने एक तरह से अपने स्पेस वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको स्टोर रूम आप रूम बनाओगे तो उसके अंदर तो आप जाने के लिए जगह भी होगी आप ड्रॉवर्स खोलते हो तो आप पीछे जाते हो वो सर्कुलेशन स्पेस भी आपको देनी होती, होती है प्लस आपको भी आपने स्टोर रूम के अंदर भी उसके अंदर गेट्स के अंदर गेट्स बना रहे आप आपका मटेरियल वेस्ट जा रहा है मैं जारे जारे मैं जैसे अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ जैसे मैं एक स्टोर रूम में मेरे यहाँ पे तो मैं अंदर जाती हूँ जैसे मैंने कुछ अभी के लिए चढ़ा दिया या फिर दाल वाल कभी कभी अपने को ऐसी सब्जी होती है कुछ होता है कि अपने को अंदर से कुछ कस्तूरी में या समथिंग स्टोर रूम में से लाना पड़ता है मेरा क्या तो छौक जल जाता है गेट खोलूंगी फिर अंदर जाऊंगी फिर वापिस से मैंने शटर्स खोलूंगी फिर उसमें से सामान निकालूंगी फिर वापिस से जाकर फिर डालूंगी जब तक समथिंग स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है जी, जी. तो मेरा ये कहना है कि एक तो स्टोर रूम अगर बनाते हो तो उसके अंदर ओपन होना चाहिए जैसे मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं वो स्टोर रूम भी, भी हम कोई और आएगा वापस से एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है यहाँ पे कोई और आएगा तो अगर मैं स्टोर रूम खोलूंगी तो वो सुंदर दिखना चाहिए प्रीति जी शटर्स लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे और फिर मैंने ड्रॉवर्स दिया सिस्टमेटिकली तो बाहर के फर्नीचर से मैच भी होना चाहिए मैंने कहा कि ठीक है हमारा भाई काम है हम कर देते हैं लेकिन जहां तक अगर फंक्शनल की काम करती हूँ तो वो मुझे ना हैट्रिक लगता है मुझे वो चीज सब पसंद नहीं आती है कि मैं जाऊंगी सब चीज अगर मैं बेसन के हाथ हुए उसी से मैं खोल रही हूँ कर रही हूँ आप आप इतने इंस्टेंट काम हो गए हैं तो वो चीज अपनी निग्लेक्ट हो जाती है अपन वो है ना मेनटेन नहीं कर पाते तो स्टोर एक पहले तो स्टोर रूम का दीवार देन अगेन शटर्स देन अगेन द मूविंग स्पेस तो दैट इज द स्पेस यू आर वेस्टिंग एट तो जिसके हिसाब से मैं कुछ अपनी स्टाइज दिखाना चाहूंगी कि किस हिसाब से अपने स्टोर होना चाहिए ओपन तो जा। तो दिस इज वी विल लुक इट अपन जो देख रहे हैं उसमें अपने देख रहे हैं कि ना अपनी जो ओपन है पूरे साइज का सामान अपने को क्लियरली देख पा रहे हैं अपने उसके अंदर है ना आपको टोटली तो, अपने ना अपने को मालूम है कि अपना स्टोरेज कितना है कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है सो द थिंग इज दिस अब उसमें अपने छोटा स्टोरेज बनाया अब मेरा जिस चीज है आपने ओपन बनाया है उसमें एकदम डेलीकेट अपने स्टोरेज बनाया तो अपने हर एक चीज अपनी वेल स्थिक अपने एस्टिथिक की तरफ जाते भाई अपन ओपन रखे हैं तो फिर कैसे अपने दिखाएंगे तो वी कैन एस सम्रॉवर्स समय भी अपने को अपने नीचे कपड़े का ऑपेक्ट बना दिया ऊपर कुछ स्टाइलिस ना ले लिया अपन ने मीस जैर्स एंड ऑल दस थिंग्स तो दिस इज द थिंग थर्ड वन आई एम सींग इट दिस इज अ गली काइंड ऑफ थिंग तो अपने कोई पैसेज यूज कर लिया उसके अंदर अपने है ना कर दिया तो अपने एक स्पेस बना ली उसके अंदर फुल्ली अपन ने ओपन कर लिया तो ओपन प्रोसेस है इसमें देन अगेन वी आर द डिफरेंट थिंग्स अब मैंने यहाँ पे बताया जैसे कि आपका है ना स्टोर रूम है आ, मुझे कभी कभी बैठ के अपने को आदत होती है साफ करने की खड़े रह के अपन थक जाते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है उसके अंदर ये चीज है कि मैंने एक ना नीचे का अपने स्टोर बना दिया मैंने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया और एक स्टेप मैं चढ़ गई बीच में जैसे कि जहां पे मुझे बर्निया साफ करनी है तो आई एम गेटिंग द स्पेस टू सेक्ट एंड आई कैन मेंटेन ऑल द थिंग्स यानी कि मैंने फिर जहाज मैंने साइड पर लगा दिया अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने कॉन्सेप्ट छोटे छोटे मैंने कहे थे ना हर एक चीज के लिए डिग्री नहीं यूज होती है आई एम इंटर डिजाइनर लेकिन आपको सर्टिफाइड नहीं मिलता कि आपको खाने बनाने की कोई फेवर डिग्री मिलती है आजकल हर शेफ़ हो गए हैं लेकिन आपको बेसिक चीजें तो आपको सीख ही जाते हो एक बच्चा है ना जब भूखा होता है तो उसको खाना है ना खिलाना होता है तो वो माँ को पहले से एक्सपीरियंस हो जाता है तो शी हैव आई थिंक सर्टिफाइड और डिग्री कोर्स तो एक कोई कोई चीजें आपके अंदर इनबिल्ट होती है एक आप औरत हो तो आपको चीजें मालूम है कि आपको कैसे मेंटेन करनी है तो दिस इज अ स्टोर आप कितना करना चाहते हो कितना रखना चाहते हो क्या सुविधा देना चाहते हो आप मुझे मालूम है कि मुझे सफाई भी करनी है इसकी तो so, मैंने एक स्पेस अपनी बिठा दी ऊपर बैठी एंड आई हैव ऑल द थिंग्स आई हैव डन इट देन अपने एक ले लिए जैसे मैं वार्ड्रॉफ स्टाइल चाह रही हूँ वार्ड्रॉफ स्टाइल जैसे अपना ओपन हुआ मेरा यहाँ पे किचन है और बैक साइड में मैंने वार्ड्रॉप बना दिया तो जस्ट टाइम में स्लाइडिंग अट तो मेरा ऑपिक भी हो गया कोई सामान दिखा भी नहीं जिसको बहुत एस्थेटिक से जुड़ी हुई चीजें चाहिए तो दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन अगेन वी आर गोइंग जस्ट अपने स्टाइलिश में अपने आगे हैं के अपने स्टाइल में दे दिया है अपने समथिंग डिफरेंट व्यूज में एंड अगेन दिस इज अ वेरी टाइनी काइंड ऑफ थिंग सो लाइक दिस वी कैन हैव अवर स्टोरेज सो स्टोरेज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स एंड हाउ मेनी पर्सन यू आर अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट बिकॉज अपने इतने नहीं है अपनी बड़ी फैमिलीज नहीं है तो मैं ये क्योंकि कलर किचन का यही है कॉन्सेप्ट कि आप अपनी जरूरत पे ध्यान दें आप ये मत देखिए एक दिन आने वाला है कोई तो उसके लिए पूरे है ना गनी बैग्स स्टोर में करके क्योंकि उसके लिए गनी के लिए आपके किराने की दुकाने हैं पहले किराने की दुकानें हर जगह पे नहीं थी तो आप ये कॉन्सेप्ट आप बदल चुके हो आपको सब चीज इंस्टेंट चाहिए है लेकिन आपने ये चीज नहीं ध्यान में दी है कि अपने को भी बदलना है अपन वो पुरानी प्रथा लिए जा रहे हैं अपने साथ भाई पहले के जमाने में सौ क्विंटल रखते थे तो अपने को रखना है लेकिन क्यों रखना है आप बीस जने हो खुद बदलो क्यूंकि जमाना भी बदल गया है इंस्टेंट सब चीजें आ गई है तो इंस्टेंट किचन इंस्टेंट स्टोर भी बनाइए अब ये वार्डअप स्टाइल में स्लाइडिंग्स स्लाइडिंग में हमने काफी चीजें हमने बताई है इसमें आप छोटे से छोटा कॉम्पैक्ट टाइप में आप स्टोरेज कैसे बना सकते हो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और उसको आप मिस बोलते हैं ना कि आपके जैसे क्विक आपको कभी कोई बोलेगा कि है ना वार्डरोब साफ करना था आपको ये रूम खाना दिमाग में नहीं आएगा राइट right? रूम दिमाग में नहीं, नहीं आएगा आपको एक वार्डरोब साफ करना है लेकिन अपन पूरा स्टोर साफ कर चुके आप कभी सोचना खुद से ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ जी ओके okay? जी बहुत ही अच्छी बात है प्रीति जी आपने जिस तरह से समझाया डिटेलिंग में कि स्टोरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर करना है तो कैसे करना चाहिए तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो काफ़ी आपसे इम्प्रेस हो चुके होंगे मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से आपने ये बताया है तो अगर वो इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ज़रूर उनको फ़ायदा होगा ही होगा तो प्रीति जी आगे चलते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको रहेगा कि आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपने किचन को स्टेटस सिंबल से जुड़ा जोड़ दिया है या जुड़ा जुड़ गए हैं हम मैं अभी इसमें माफी मांगना चाहूंगी सबसे वो अपनी अपनी पसंद है जी, लेकिन मैं इसको क्यों जोड़ रही हूँ वो भी आप समझ लेगा कि स्टेटस सिंबल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल फैंसी किचन आपने देखा यूरोपियन स्टाइल इटालियन स्टाइल हमारा भारतीय का तो कुछ है नहीं इंडियन स्टाइल में तो तो लेकिन फिर भी इसके अंदर ये चीज कहने का जैसे अपने काफी महंगे से महंगा अपने चीजें यूज करते हैं बीपीजी यूज करते हैं टेंडम्स ड्रॉवर्स यूज करते हैं एस्थेटिक में अपन जितना डालना चाहिए क्योंकि वो रिलेटेड होता है अपने डाइनिंग एंड लिविंग रूम से तो लगता है कि लोग आएंगे तो उनको क्रॉकरी स्टैंड और प्लस अपना किचन एकदम हाई दिखना चाहिए mm -hmm. क्योंकि वो जो लेडी वर्क करती है वहां पे तो उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ ये रिलेटेड है तो उसके पार्टीशियंस एंड ऑल दैट तो अपने उसे पूरा तो दैट इज आई एम बिलोंग्स टू से वो चीज को मैं लेकर बोल रही दिस इज स्टेटस अब क्रॉकरी है चाय मुझे यूज आ नहीं रही है लेकिन एज अ स्टेटस सिंबल मैंने इतने सारे इंटीरियर्स किए हैं सब लोग मुझे हम लोग बोलते हैं कि आप मुझे ऐसे देखा कि हमारी क्रॉकरी सारी दिखे तो दिखे मींस दैट इज फॉर योर यूज और आपको शोकेस की जैसे रखना है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसको क्या आप स्टेटस सिंबॉल से हाँ आपको जुड़ा है

काफी डिटेलिंग्स के साथ किचन करते हो तो हेरिटेज वर्क में तो कार्विंग कोड़ी तो तो लगने लगती है लेकिन आपकी जितनी बारीकी से वर्क किया होता है वो सुंदर तो बहुत लगता है लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ता है आपको तो मैं यही चीज करके पहले के जमाने में भी किचन था ओपन किचन था और पहले के जमाने में है ना सब लोग ऐसा नहीं कि उसका स्टेटस नहीं होता था स्टेटस उनके खाने में क्या बनता है उससे आपने है ना जज करते थे आज का अपन स्टेटस जज कर रहे हैं कि उसके क्या चीज लगी है खाना चाहे वो है ना भले दाल रोटी खाता हूं लेकिन आज अपन है ना देख रहे हैं किचन का स्टेटस कि हाँ आज अपन अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं ब्रास का जो फर्नीचर हो रहा है जिसके अंदर डिटेलिंग हो रही है फिर अपन है ना महीन जो अपने जो भी जितनी भी है ना कार्विंग्स की चीजें होती है तो अपनी वही खूबसूरती उतनी अच्छी लगती है लेकिन उसको मेनटेन करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग अब अपने जो स्टेटस की बात कर रहे हैं स्टेटस जैसे अपन पहले के जमाने में कैसे अपन कर रहे थे कि कोई कैसे चल के आता है उसके जूतों से अपन पहचान लेते थे कि इसका स्टेटस क्या है अपन खाने से पहचानते थे कि वो जो क्या डाल रहा है अपनी थाली में उसका स्टेटस क्या है बादाम का हलवा है ये सब ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीजें हैं और आज अपन स्टेटस के बाद कई और चीज से तोलते हैं अपनी हर एक चीज दिखावे पर हो गई है ज्यादातर जैसे मॉडर्नाइज बड़े बड़े किचन हो गए हैं एल है जी में काफी चीजें अपने एकदम बदल गई है फिर और भी अपन मॉडर्न में चले जाते हैं कॉन्सेप्ट डिफरेंस देते हैं एलिगेंट कांसेप्ट्स में अपन प्ले कर रहे हैं और डिफरेंट क्वालिटीज के अपने जो आपने स्पेशलाइज्ड करवा रहे हैं इन सीमेंटिंग भी कस्टमाइज करवा रहे हैं चीजें स्पेशलाइज्ड फॉर मी ओनली स्पेशल पेंटिंग फॉर मी ओनली तो दिस वे आई एम कनेक्टिंग द स्टेटस सिंबल विद द किचन जी प्रीति जी आ, किचन के ये हमने स्टेटस सिंबल के बारे में बताया दर्शकों को आ, लेकिन प्रीति जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी प्रीति जी जो है वो यॉर्वे इंटीरियर की फाउंडर एंड डायरेक्टर है और सूरत की जानी मानी इंटीरियर डिज़ाइनर है तो ये कलर किचन सीरीज़ के द्वारा जो हम आपको मार्गदर्शन जो किचन के बारे में हम बता रहे आपको वो ज़रूर आप हमारे इस एपिसोड के हर एक एपिसोड के साथ आप जुड़े रहिए इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ज़रूर से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों महिलाओं को पहुँचे ये बात और महिलाओं को फ़ायदा हो इससे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी प्रीति जी को मैं पूछना चाहूँगी प्रीति जी आप का फीडबैक मुझे चाहिए अभी इतने एपिसोड हमने किए लोगों के बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए हैं लेकिन आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए मैं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ किचन का टॉपिक इसलिए रखा कि अपन फ्रस्ट्रेशन से कैसे दूर हो और अपने एक हैप्पी फैमिली कैसे बनाए क्योंकि सारा बड़ा ऐसे किचन किचन बोलते ही सब लोगों को काम का है ना हमें लगता है कि इतना सारा काम हो गया सुबह से लेकर रात तक काम करना है तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड साथ में गए थे और एक घंटे के बाद हम लोग आए घर पे सबकी डिमांड्स हो गई कि हमको सूप चाहिए हमको नूडल्स चाहिए हमको बिरयानी चाहिए एंड पनीर के पकौड़े चाहिए तो देट वॉज आई वॉज शॉर्क टेन के फाइव टू टेन मिनट्स में छह जन का मैं और ऑल थिंग्स रिमेन कटिंग करना चॉपिंग करना एवरीथिंग वॉज लाइक दैट सारी चीजें मुझे करनी थी लेकिन विद इन अ सेकेंड Uh, मेरे हस्बैंड ने एक स्माइल दी एंड ही सेड के मैं हेल्प करूं तो अंदर से कितनी एनर्जेटिक आ गई आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स तो मैंने कहा ठीक है फिर उन्होंने सारी तैयारी उन्होंने सारे जितनी भी चॉपिंग थी उन्होंने किया और हम फिर बाद में बच्चे भी आ गए अंदर इन्वॉल्व हो गए उन्होंने सब सामान निकाल दिया कि पापा आपको ये चाहिए ये चाहिए मैं सारी उन्होंने वेजिटेबल्स निकाल दी तो इट इज अ फैमिली टाइम आई कैन से क्या आप सीरियल देखते हो आप कोई भी चीज एंजॉय करते हो कोई भी चीज लूडो खेलते हो तो ऐसे हमने सारे फैमिली से मेरी बेटी आ गई मेरा बेटा आ गया मेरा हस्बैंड आ गया और मैं तो उन्होंने अपना टाइम वहां पे टीवी के सामने नहीं स्पेंड करके मेरे साथ स्पेंड किया टाइम प्लस उन्होंने है ना सारी हेल्प करवाई तो विद इन अ टेन मिनट्स विद इन अ टेन मिनट्स अभी अपन बोलते ना घंटा लग जाता है एक घंटा लग जाता है अब यहाँ पर इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का आप, आप स्टैंडिंग और है ना तो सिटिंग का आप कंपेरिजन कर सकते हो ठीक है मुझे है ना खड़े रहकर क्या था मुझे आधा पौन घंटा लगता है इतनी सारी चीजें बनाने में जन का और विद इन अ टेन मिनट सबकी हेल्प से मैंने टेन मिनट से सारी चीजें बना दी क्योंकि मुझे चॉपिंग कर तैयार मिला एक जन ने बॉल निकाल दिया एक जन ने सारी चीजें आटा में बैटर बना दिया उसके लिए पनीर पकौड़े के कटिंग कर दी तो इट वॉज जस्ट इन टाइम इज था उन्होंने बाद में बोला मुझे कि हम परोसने भी मैं कहा नहीं आप बैठे आप लोग इतना सारा काम ऐसा मुझे लगा ही नहीं मैंने कुछ किया है नथिंग आज मुझे ऐसा लगा कि आई जस्ट विजिटेड द किचन एंड कम आउट तो देट ऑज रियली अमेजिंग आज ही मैं अगर वो चीज दस मिनट की याद करती हूँ तो आज ही आप देख रहे होंगे मेरे पर बिल्कुल, बिल्कुल, आ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं की तो दिस इज द थिंग वी हैव टू इंक्लूड आवर थिंग थिंग कि हम बोलते हैं ना लड़कियों को हमेशा के है ना तुझे आगे घर जाना है अब <laughs> मैं अपने बेटे को बोलते तुझे किसी को लाना है so, तो तू भी एडजस्ट करना सीख कि क्या उसको हर एक चीज अपन सिखाना चाहते हैं लेकिन अपने एक अभी बेटे को नहीं बोलते हैं कि तू एडजस्ट करना सीख तू अपना है टेम्पर थोड़ा डाउन करना सीख क्यों वो भी तो आके एडजस्ट करती है तो यू हैव टू ऑल्सो एडजस्ट तो दैट वॉज अ टेन मिनट अमेजिंग इन माई लाइफ

तो फैमिली एक साथ में सब कुछ करे एक साथ में अगर खाना भी खा लेते डिनर भी कर लेते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसकी जो खुशी होती है वो आ, कई साल अपने ज़्यादा बढ़ा देती है ऐसा बोल सकते हैं हम प्रीति जी तो बहुत बहुत आ, धन्यवाद आपका आपने इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आ, तो अभी हम आगे चलते हैं हमारी कले किचन सीरीज़ में आ, ये एपिसोड फोर है और इसमें हमारा ये क्वेश्चन है कि वॉश एरिया जो क्लीनिंग का जो एरिया है हमारे किचन के अंदर वो क्या किचन में होना चाहिए या किचन के बाहर होना चाहिए वो किचन में होना चाहिए या किचन के बाहर होना चाहिए जी राइट right? जी अब इसके अंदर किचन आपने जैसे कि अपन स्टैंडिंग किचन अपना चुके हैं इंस्टेंट सारी चीजें अपना चुके हैं तो मेरे ख्याल से है ना वेस्टर्न कल्चर में तो यूटिलिटेरिया एंड वॉश एरिया बोल के कोई चीज ही नहीं है फिर अपने इंडियन कल्चर में क्यों है इंडियन कल्चर में अपने जो चाहते हैं कि सब चीजें अपने अंदर जाके डंप हो जाए एक तरह से वो फंगस का एरिया हो गया है कि आप कितना भी मेंटेन करते हो आप ग्रेनाइट्स भी लगाते हो क्योंकि आपकी एक्चुअली मेड्स काम करती है और वहां पे क्या होता है कि आप लोग वो लोग खुद है ना मेंटेन करते हैं वहां पे मेड्स अवेलेबल नहीं होती तो हमारा सिस्टम क्या फॉलो करता है उसके हिसाब से अगर आप नेसेसरी थिंग्स देते हो और अगर उसके हिसाब से अपना ना कोई कॉन्सेप्ट अपना अपना रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट में वो चीज भी अपनानी चाहिए कि ये यूटिलिटी एरिया है ना उसके किचन का अंदर इंक्लूड होना चाहिए जैसे कि डिश वॉशर है वॉशिंग मशीन है आपने कितनी चीजें देखी होगी और उसके अंदर जैसे कि हम मैं कुछ पिक्स दिखाना चाहूंगी इसके अंदर कि इसके अंदर देखे आपने देख रहे होंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान में आप देखें आपने देखे कितने वॉल्स हैं आपका आप है ना है ना देखिए उसके अंदर कि आपने है ना कितनी सारी स्पेस यूटिलाइज कर दी एक आपने यूटिलिटी में डाल दिया एरिया एक आपने डाइनिंग में एरिया डाल दिया है एक आपने उसके अंदर है ना क्या कि किचन में एरिया डाल दिया है एक आपने स्टोर में डाल दिया तो कितना पोर्शन आपका चला गया है किचन बोल के ओनली द किचन बोल के वी डोंट हैव क्रिएटिव कॉर्नर्स आल्सो ओवर हियर सो दिस द स्पेसेस आर डिवाइडेड इनटू दिसनी थिंग्स सेकेंडली नाउ यू कैन सी द थिंग ओवर हियर ओ सो स्मॉल थिंग्स स्मॉल स्पेस यूज्ड फॉर द बहुत छोटी सी जगह में अपने है ना मिस बता दिया कि अपने वॉशिंग एरिया भी आ गई है और उसके साथ अपना वॉश एरिया भी आ गया है मिस एक वॉश मशीन बन गया एंड सेकेंडली वी हैव यूज द वॉशिंग मशीन ओवर देयर उसके लिए उन्होंने पूरी जगह यूज नहीं करी अब अपन कोई चीज सीख रहे हैं तो अपन को इस चीज से सीखना है कि अपन को है ना चीजें जो अपनी जगह वेस्ट नहीं करनी अपन जो अपन जगह अपन एक डोर ओपनिंग के लिए वेस्ट कर रहे हैं स्पेस। तो एरिया में आपने एक, एक तो बना दी एक वो स्पेस वेस्ट हो गई सेकेंडली यार अंदर आप जा रहे हो वहां तो पर गंदगी की एक खिंची होगी चौकड़ी के लिए आपने वापिस से प्लेटफॉर्म बना दिया तो दिस से यू आर मिस आप कम कर रहे हो अपनी स्पेस को

अदरवाइज मुझे वो दरवाजा खोलना है अंदर जाना है मशीन एंड टू कम आउट तो दिस वे और इसके अंदर अपने आगे भी देख सकते हैं कि काफी जगह पे अपने प्लेटफॉर्म के साथ ही अटैच है प्लेटफॉर्म के साथ ही आपके वॉशिंग मशीन अटैच है डिश वॉशर अटैच है फिर इसके अंदर आपने देखते है की है ना आपकी जो आगे है ना देख रही है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स आपके वहाँ पे ड्रॉवर्स बना रखे है उसके अंदर आपने ना क्या बोलते है आपके कपड़े सुखा सकते हैं तो ये चीज कॉम्बिनेशन में चल रही है यूटिलिटी युटिल, एरिया वॉश एरिया जो आपने बोला कि इसकी स्पेस अपन बनाते तो वो चीज अपने ने अपना ही नहीं अभी तक पे बहुत कम लोग ने है ना करवाया है आई आई से कैन टू सबको क्योंकि वही हैबिट में अपने इंडियन कल्चर में कि जो भी चीज कपड़े अपने जो भी होते हैं अपन एक डंपिंग स्टेशन मिल जाए एक एरिया मिल जाए तो उसके लिए फिर बाद में अपने वो चीज यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी मेहमान आए तो अपने खाली गेट बंद कर दिया तो वो पीछे का किसी को दिखने वाला नहीं है लेकिन जब आप मेंटेन करते हो अगर आपको सही में स्पेस यूटिलाइज करनी है तो ओपन रखिए ये मेरा सजेशन है बाकी यहाँ अपने बोलते ना हिंदुस्तान है कुछ भी हो सकता है और सब चीज अपना इजीली मेंटेन करते हैं इजीली अपना भी लेते हैं सारी चीजें

वॉश एरिया किचन में कैसे रखना चाहिए किस तरह से रखना चाहिए तो प्रीति जी हमारे पास बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं तो अभी हम देखते हैं जो हमारे दर्शक ने फीडबैक दिया है हाय फ्रेंड्स आई एम ऋतु राठी अ सोशल एक्टिविस्ट एंड यस आई एम अ वर्किंग वुमेन बट वेन आई कम बैक होम आई ऑलवेज सी दैट मई फैमिली मेम्बर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट यू नो शी इज़ कम एंड नाउ शी इज़ गॉन अ कु समथिंग गुड एंड सर्वस ऑन अ प्लेट वेदर इट्स माई Kids, it's my husband or my in-laws. And it's quite natural because it's part and parcel of every woman, whether we are working or not. And most important task is to, whenever I go inside my kitchen, I always make it a point to make it very minimal and short. So I know one thing: whenever I need to keep my family happy, I have to cook good food. But just cooking is not very important because during COVID, so you have to work whether we have maids or not we need to work and we have to keep our working quite minimal in the kitchen. whether it comes to cleanliness, we need to keep the surface, the floor, the garbage, everything should be clean. and apart from that, there should be a good management inside the kitchen so that we even save the food cost and definitely our kids are looking at us so they are learning from it. and this covid, i would really say that the cooking has really increased the bonding of our family because all of us are involved in cooking. and recently, kala kitchen have come up with a wonderful initiative of

आपको हमारे साथ इस कले किचन सीरीज़ में जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा और ऐसे ही वापस दूसरे एपिसोड में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद नमस्कार प्रीति जी आपका भी धन्यवाद थैंक यू